इंडिया हमेशा कुछ नया करने के लिए नहीं जाना जाता, पर यूएई जाना जाता है। यूएई ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करता है जो शायद ही कोई और कर सकता है। हम भी कुछ ऐसी कोशिश कर रहे हैं आज इंडिया और यूएई के रिलेशन के बीच में। हम एक सी पोर्ट से कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं एक रेलवे लाइन का, जो रेलवे लाइन 1200 मील या 2000 किलोमीटर लंबी होगी, अंडर वाटर टनल होगा। ये कैसे बनेगा? ये बहुत फैसिनेटिंग होगा कि हमारी कंट्री को हम यहाँ से जोड़ेंगे और कहाँ तक जोड़ देंगे, मुंबई तक। तो यूएई से मुंबई तक जोड़ने की ये जो हमारी पूरी कवायद है, इसके बारे में आज आपका वीडियो होगा। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। अंडर वाटर टनल एक नया ऑप्शन हमने ढूंढा है जो हम बनाएंगे, जिसमें 600 से 1000 किलोमीटर की मैक्सिमम रफ्तार में ट्रेन चलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए क्या है, 700 किलोमीटर की अगर एवरेज डिस्टेंस को हम ले लें तो भी 3 घंटे में हम मुंबई से दुबई पहुंच जाया करेंगे। बहुत अच्छी चीज होगी। अब ये क्यों बनाया जा रहा है, ये कैसे बनाया जा रहा है, इसका रीजन क्या है? देखिए, इंडिया में तेल चाहिए और दुबई के लोगों को पानी चाहिए, तो हम यहां से नदी का पानी भेजेंगे, यहां से तेल लेंगे, यहां से कार्गो लेंगे, यहां से पैसेंजर चलाएंगे। अब ये एक ट्रेन जो है ये फ्लोटिंग ब्रिज पे बनेगी, वर्ल्ड की पहली फ्लोटिंग सी टनल बनाने का काम ये करने का प्लान बना रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। देखिए, ये ऑयल पाइपलाइन है, ये वाटर पाइपलाइन है, ये पैसेंजर ट्रेन है और ये कार्गो शिपिंग है। तो ये सारी चीजें करके हम ये चाहेंगे कि अपना सामान लॉजिस्टिक भेज पाएं, इंसानों को भेज पाएं, तेल यूएई ले पाए और हमें तेल यूएई दे पाए और हमसे पानी ले पाए। अब बात आती है, भाई ये जर्नी कैसे होगी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है 700 से 1000 किलोमीटर कैसे चलेगा? फ्लोटिंग कैसे बनेगा? ये इंजीनियरिंग कैसे होगी? अब बात आती है कि सर, क्या ट्रेन को हम हैंगिंग मैनर में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। देखिए, ध्यान से चीज है, जब आप किसी मैग्नेट को लेते हैं तो मैग्नेट का अगर नॉर्थ और साउथ पोल साथ में होता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, पर अगर नॉर्थ और नॉर्थ को साथ में कर देते हैं तो क्या होता है, ये डिस्ट्रैक्ट होता है एक दूसरे से। यही होता है, सेम चीज हम करते हैं। देखिए, न्यूट्रल न्यूट्रल जब साथ में किसी ट्रेन के कर दिए जाते हैं पटरी पे, तो ये पटरी क्या करती है बेटा, ऊपर को चलती है, हवा में चलती है, तो फ्रिक्शन कम होता है, लोड नहीं होता, तो हवा में फ्लोट करती है कोई भी ट्रेन। अगर किसी भी ट्रेन को आप फ्लोट करोगे तो वो ज्यादा तेज चलेगी और बिना लोड के चलेगी। तो हम कहीं ना कहीं यही टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं जो बुलेट ट्रेन में हम वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम इस चीज को करेंगे। अच्छा, पहला वाटर टनल है? बिल्कुल नहीं। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा वाटर टनल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला वाटर टनल जो है यूके और फ्रांस के बीच में है, जो 1994 से फंक्शनल है। अब दुबई इस चीज को करने की कोशिश कर रहा है, पहला फ्यूचरिस्टिक अंडर वाटर ट्रेन मिशन होगा जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुंबई से दुबई को जोड़ेगा। यहां पे ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी, जिसमें हम गैस जो है और तेल जो होगा वो पाकिस्तान को भी दे रहे हैं, चाइना को भी दे रहे हैं, अंडर वाटर टनल बना के हम अपने आप को भी देंगे। नर्मदा रिवर का पानी हम यहां से ले जाएंगे उनको देने के लिए, गुड एंड कम्युनिटीज लाएंगे और एक बंकर फ्यूल स्टेशन बनाएंगे। मतलब जैसे हैंगिंग है तो जो शिप निकलेंगे उनको यहां से बंकर से हम फ्यूल सप्लाई करेंगे समुद्र के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अप्रोच का ट्रेड हम दोनों कंट्रीज मिलके करने जा रहे हैं। अब बात आती है कि सर, क्या ये पहला वाटर प्रोजेक्ट होगा इंडिया का? नहीं, अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट हम अपना एक और बुलेट ट्रेन में बना रहे हैं, जो हमारा अहमदाबाद और मुंबई का पहला बुलेट ट्रेन का रूट है बेटा। उसमें 7 किलोमीटर लंबी टनल हम बना रहे हैं थाने क्रिक से विरार तक। याद रखना, थाने से लेकर विरार तक 7 किलोमीटर लंबी अंडर वाटर टनल बना रहे हैं और 349 किलोमीटर लंबी ये स्पीड में ट्रेन चलेगी और ये जो है 3 घंटे के अंदर हमारा डिस्टेंस पूरा कर देगी। जितना अभी टाइम लगता है उससे ज्यादा समय से कम पे अब हम आएंगे और इस चीज को कर पाएंगे। देखिए, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मिशंस हैं, बहुत जल्दी फुलफिल होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।